आज मैं आपको एक स्वीट डिश यानी गुड़ का दलिया बनाना सिखाऊंगी, जिसमें हमें चाहिए दलिया, एक कटोरी, हाफ कटोरी गुड़, 2-3 टेबलस्पून ऑफ घी, काजू और बादाम। इसमें हमने दलिये को साफ कपड़े से पोंछ लिया है, हमने दलिये को धोना नहीं है। इसके बाद अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करके उसके अंदर अब हम डालेंगे 2-3 टेबलस्पून ऑफ घी। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास दलिया है वो। अब हम इसको हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। दलिया हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है और इसकी खुशबू आने लगी, देखो घी छोड़ने लगा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़, जो हमने आधी कटोरी गुड़ लिया था वो मैंने सारा निकाल लिया है, और हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको चला देंगे। गुड़ को इसको गैस को स्लो कर देंगे। पहले हमने तेज़ आँच पर भुना है, अब इसको गुड़ को स्लो आँच पर मिक्स करेंगे। जब गुड़ मिक्स हो जाएगा, ये देखिए हमारा दलिया अच्छे से गुड़ के साथ भुन गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 कटोरी ऑफ वाटर, कटोरी 1, ये डाल दिया हमने 3 कटोरी ऑफ वाटर। अगर आपको गाढ़ा ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसको 4 कटोरी भी कर सकते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको 5-6 विसल आने तक पकाएंगे। जब तक दलिये को विसल आती है तब तक हमने एक पैन रखा है, चलिए हम ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस पर 1 चम्मच ऑयल डाला है, ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद हमने डाले हैं काजू, फिर हम डाल रहे हैं बादाम। इसको हमने 1 मिनट तक रोस्ट करना है, जब तक ये हल्के ब्राउन नहीं हो जाते। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, फिर ये ब्लैक हो जाएगा, उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, वो नहीं आएगा। हमें हल्का हल्का रोस्ट करना है। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसको बाउल में निकाल लें। हमारी 6 विसल इसमें आ चुकी है, अब हम गैस को बंद करेंगे और स्टीम निकलने तक वेट करेंगे। हमने कुकर खोला और अब हमारा दलिया बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। लीजिए हमने दलिये को अब सर्व कर दिया है और हमारा दलिया बनके रेडी है। ऊपर से ही हमने काजू और बादाम गार्निश कर दिए हैं। अगर आपको कुछ और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू।